जी तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं जय श्री पर्ल फार्म अंबाला में, और ये सर का ऑफिस है, पूरा प्रोसेसिंग यूनिट है यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये तीन पार्टनर हैं जिन्होंने आज से तकरीबन 7 साल पहले इस काम को स्टार्ट किया, और अपने मेहनत और अपने विजन के दम पर दोस्तों इसको बुलंदियों तक पहुँचाया है। आज ढेर सारे किसान भाई और युवा साथी इनसे ट्रेनिंग भी लेते हैं, और मोती की खेती में दोस्तों बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम मिस्टर गोस्वामी जी से मिलने वाले हैं, वो ढेर सारी जानकारी देंगे क्या क्या इनके जो है फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं। आइए मैं सर से बात करता हूँ। सर नमस्कार, बहुत नमस्कार बहुत सर। स्वागत है। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों के लिए अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश गोस्वामी है और मैं मोती फार्मिंग करता हूँ। पहले मैं प्राइवेट जॉब करता था, जी उसके बाद हमने काम चालू किया और अपना काम चालू किया। आज हम मोती की फार्मिंग अच्छे लेवल पर कर रहे हैं। राइट, ठीक है राजेश जी, आगे बढ़ते हैं। आप हमारे दर्शकों को बिल्कुल बेसिक लेवल से बताइए कि क्या क्या चीजें हैं और ये कैसे तैयार होती हैं। सबसे पहले हम लोग ने डिजाइनर मोती का काम किया था, राइट, जो हमने 2 साल तक किया। ठीक है सर, ये हमारे डिजाइनर मोती हैं जो 12 से 14 महीने में तैयार होते हैं। ठीक है सर, इसके बाद हमारा जब प्रोडक्शन अच्छा आने लग गया तो फिर हम गोल मोती की तरफ घुसे। ठीक है, ये हमने बाहर से भी ट्रेनिंग लेकर और हमारा अंडमान निकोबार में सब जगह पर इस तरीके के जो राइट गोल माला का काम किया। जी, अभी आगे हम ज्वेलरी में भी काम कर रहे हैं। राइट सर, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है डिजाइनर मोती का। जी तो ये देख सकते हैं दोस्तों, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग जो है सर अपना फाइनल सब प्रोडक्ट सब बनाते हैं, सब तरीके का फाइनल देखिए। और ये देखने में बेहद खूबसूरत है दोस्तों, और खास करके महिलाओं के लिए जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो गहने होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, और बहुत अच्छी इसकी मार्केट में डिमांड भी है। तो सर एक बात बताएं कि मोती की खेती बहुत सारे लोग जो है वीडियो से प्रभावित होके जी कर लेते हैं, लेकिन मेन जो चैलेंज आता है लोगों को मार्केटिंग, तो आप मार्केटिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी देखो, जैसा बनाते है हैं? मेरा तो मैं खुद की मार्केटिंग करता हूँ। ठीक है मेरा सर, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद सब जगह मार्केटिंग करता हूँ मैं। ठीक है सर, और मेरा आप ये देखिए, आइए सो लगा हुआ मार्केटिंग का मेरे पास राइट ट्रेडिंग का है, जी ट्रेडिंग और मार्केटिंग का देखिए, आइए सो जी मेरी कंपनी का। ठीक है जी, तो मेरे यहाँ मार्केटिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि राइट मेरी खुद की मार्केटिंग है। हाँ, अन्य लोगों के पास आ सकती है जिसके पास मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं है। राइट अभी देखो मैं आपको बताऊँ, ये एक MOP चल रहा है, राइट लोग बोलते हैं इसका माल बिकता है, MOP का माल कहीं कोई लेता ही नहीं है, राइट इसका कोई मार्केटिंग नहीं है। मैंने राइट सिर्फ इसको दिखाने के लिए रखा है, मैं इसकी मार्केटिंग नहीं करता हूँ। राइट ऐसे ही लोग गलत जगह फंस के फिर हाँ परेशान हो जाते हैं। राइट ठीक है। अच्छा सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, इसको आप क्या बोलते हैं, मतलब हाफ ये अराउंड? हमारा हाफ राउंड है, ठीक है बड़े बड़े में है, जी, ये हाफ राउंड छोटे में है। ठीक है सर ठीक है जी, जी, और ये हमारा गोल्डन मोती है, राइट ये हमारा नाक कान के लिए जो ज्वेलरी बनाई है हमने, राइट फोकस वगैरह। ठीक है सर, ये हमारा इस साल का ही अंडमान निकोबार का पोर्शन है, ये ब्लैक वाला अच्छा जी, इस साल ही निकला है। हम 7 साल से काम कर रहे हैं लेकिन इस साल हमको इस प्रकार का मिला हुआ है। राइट सर, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं जानना चाहूंगा ये फाइनल प्रोडक्ट कितने दिनों में जो है तैयार हो ये जाता हमारा है? 3 से 3.5 साल लगते हैं सर। 3 से 3.5 साल, 3 साल मतलब बहुत ज्यादा पेशेंस रखना जी, पड़ता है। बिल्कुल जी, ठीक है गोल वाले में। और जी, हमारा जो हाफ राउंड ये है, ये हमारा 18 महीने का है, ठीक है सर, ठीक छोटा है, है, ठीक है ठीक ना। है और ये हमारा 12 से 14 महीने के डिजाइनर। जी, तो कोई भी भाई अगर काम करना चाहता तो पहले डिजाइनर से चालू करे, राइट अपना प्रोडक्शन बढ़ाए, उसके ठीक बाद फिर है, गोल की तरफ जाए। राइट बाकी हमारे यहाँ मार्केटिंग की, बेचने की सारी व्यवस्थाएं हैं, जी, जो भी आदमी साथ मिले काम करना चाहता वो भी कर ले, राइट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब तरीका की सुविधाएं। और हमारे यहाँ से जो जो भी चाहिए कस्टमर को वो सारी चीज़ें मिलती हैं। बिल्कुल। तो आप सर युवाओं को और किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं, क्या क्या सपोर्ट देते हैं सर? हमारे यहाँ किसान युवा कोई भी ट्रेनिंग लेके जाएगा ट्रेनिंग भी देंगे उसको, जी कंपनी का जो ऑर्डर का माल है वो ऑर्डर का माल डलवाएंगे, राइट बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो हर तरह की टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम है जी जी कॉल करे, फ़ोन करे, या पूरा मिल गाइडेंस देते हाँ हैं या जी, मिलने आ सकता तो मिलके भी आ जाए, राइट तो हम उसको जब तक उसका पोर्शन नहीं निकलेगा तब जी, तक उसकी सहायता करते ही रहेंगे, राइट और राइट भविष्य में आगे मिलके काम करेगा तो सहायता जी, करते रहेंगे। बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ और जैसे ज्वेलरी के आइटम दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जैसा अभी हमने ज्वेलरी का, अभी हमने 1 साल पहले काम चालू किया ज्वेलरी का, ठीक है सर, और अभी ज्वेलरी अपनी बनाई खुद की ज्वेलरी है, अच्छा कोई बाहर की नहीं, हमारी खुद की है सारी है। ठीक है सर। तो सर अगर मैं इसको एक इकोनॉमिकल दृष्टि से देखना चाहूँ, जैसे आपने 7 साल पहले स्टार्ट किया, जाहिर सी बात है ढेर सारी चुनौतियाँ आई होंगी, जी लाइव स्टॉक फार्मिंग है इंडिया में, अभी इसका ट्रेंड भी बहुत कम है, तो
तो सर अभी बताएं पहले के दौर और आज के दौर में सर कितना एक आप जो है प्रॉफिट कमा लेते हैं, कितना एक टर्नओवर कर रहे हैं आप? देखो जी, मेरे पास पहला जो पहले साल था वो तो पहले साल में तो हमने 4-5 लाख रुपया किया था। ठीक है सर, पहली वर्ष में। उसके बाद धीमे 15-20 हुआ, अब आज का हमारा तो जी 1 करोड़ के आसपास टर्नओवर होता है राइट साल का, राइट जो हमारा खुद का है, बाकी हम लोगों से माल लेते हैं बेचते हैं वो अलग है। राइट राइट जी। तो दोस्तों कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, बस एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो दोस्तों कोई भी काम जो है कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, बशर्ते आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, सीखने का एक एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। और कोई भी काम करें दोस्तों तो एक सही मार्गदर्शन में जो है करें दोस्तों, तभी जो है आपको सफलता मिलेगी। और बाकी सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, आगे हम चलेंगे इनके फार्म पे भी चलेंगे जहाँ पे ये मोती की खेती कर रहे हैं, उसमें और भी टेक्निकल चीज़ें कैसे उसमें पॉन्ड बनाए जाते हैं, किस तरीके से चैम्बर बनाए जाते हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं, पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगी।